हेलो दोस्तों दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू अपड नाउ रिसेंटली इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर डे वॉज न्यूक्लियर टेस्ट वॉज सेलिब्रेटेड एंड इन दिस सेशन विल डिस्कस कि बहुत सारी न्यूक्लियर ट्रीटीज कौन कौन सी हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले वी गोइंग टू डिस्कस हम क्या क्या डिस्कस करेंगे सबसे पहले साइंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स क्या होती है ये दूसरा लिमिटेड ट्रीटी क्या होती है तीसरा न्यूक्लियर क्या, ट्रीट क्या है और ट्रीटीबर वेपन टू डे उससे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए विच आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज फिसाइल फॉर रिएक्शन टू थर्टी नाइन टू थर्टी एट टू थर्टी सेवन टू थर्टी फाइव आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी समझ जाएंगे तो इसका जवाब दे पाएंगे सबसे न्यूक्लियर रिएक्शन सीखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन का जो फंडामेंटल है एनर्जी इज इक्ल टू मास इन टू माइ स्पीड इसको समझना ऐसे आसान है कि इमेजिन आप कीजिए अगर आपके पास कोई आटम है जिसका टेन वेट है अगरिट हो गया इससे दो बने जिसका एक है पांच और एक है तीन तो दो जो है ना वो लॉस हो गया तो दो एक्चुअली लॉस नहीं होता वो जो लॉस मास है वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है राइट right? इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर ये जो मास लॉस हुआ है इसको स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो आपका एनर्जी मिल जाएगी इस स्पेसिस न्यूक्लियर रिएक्शन काम करती है नाउ दिस इज अब बड़ा एटम होता है ना अब अगर आप सोलर सिस्टम को देखें तो सोलर सिस्टम में सन सबसे सेंटर में आता है सबसे सेंटर में है बिल्कुल बीच में है लेकिन सबसे एनर्जी यही कंसेंट्रेटेड है यही एटम में होता है एटम में सबसे एनर्जी न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होती है बड़े ऑब्जेक्ट इतनी एनर्जी नहीं रिलीज कर सकते, जितना छोटा कर सकते हैं दैट्स हम एटम को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं इसमें तो एटम को कैसे ब्रेक करते हैं न्यूट्रॉन सप्लाई करके राइट right? एक न्यूट्रॉन विद हाई एनर्जी सप्लाई किया तो यूरेनियम टूट जाएगा जब एक यूरेनियम टूटेगा तो उससे दो डॉटर एटम्स बनेंगे साथ में कुछ मास लॉस हो जाएगा जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे हर न्यूट्रॉन के टूटने से तीन फर्दर न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं ध्यान रखिएगा तीन फर्दर न्यूट्रॉन्स और फर्दर तीन न्यूट्रॉन्स को अटैक कर रहे हैं अब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन ये जो है ये आपकी वेपन ग्रेड है या नहीं ये दो चीजों पर डिपेंड करती है वेपन ग्रेड एक होता है आपका एनरिचमेंट और दूसरा होता है आपका क्रिटिकल मास राइट किसी भी आपके टेक्नोलॉजी के लिए इनरिचमेंट अच्छा खासा होना चाहिए क्योंकि अगर यूरेनियम देखा जाए तो वो तीन तरीके के होते हैं एक आपका होता है 235, एक आपका होता है 238 और एक होता है 239। इसमें से एक फिसाइल होता है फिसाइल मतलब जिस पर अटैक किया वो टूट गया कम क्योंकि इसके लिए एनर्जी कम चाहिए होती है जैसे 23 थ्री इतनी ही एनर्जी चाहिए होती है दूसरा फर्टाइल होता है मतलब ये खुद तो नहीं टूटेगा किस क्योंकि उसको एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए उतनी सप्लाई नहीं कर सकते बट ये आसानी से इसमें कन्वर्ट हो सकता है तो 238 फर्टाइल है क्योंकि इसमें कन्वर्ट हो सकता है 235 थर्टी फाइव फिजल है बिकॉज ये टूटेगा और 239 कुछ भी नहीं है राइट दिस इज वॉट इज अंडरस्टैंडिंग तो आपको इस पहले सवाल का जवाब मिल गया अब किसी भी जब हम यूरेनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 98% ये होता है आपका 0.7% के आसपास ये 0.3 के आसपास ये दैट मीन जो फिसाइल होता है वो कम होता है एंड दैट वाई वी नीड टू इंक्रीज इंसेंट्रेशन कम से कम जो आपका फाइव से ट्वेंटी परसेंट तक के आस पास आपका जो ग्रेड होता है वो वेपन ग्रेड नहीं होता तो ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा आपको लाना पड़ेगा यूरेनियम टू थर्टी फाइव की कंसेंट्रेशन उसको वेपन ग्रेड बनाने के लिए तो प्लुटेनियम और यूरेनियम के लिए ये साइंस समझना जरूरी था साथ में आता है क्रिटिकल मास अब क्रिटिकल मास क्या होता है एक पर्टिकुलर मास तक ना ये जो आपका यूरेनियम है नॉर्मली क्या होता है अगर मैं मास बहुत ज्यादा हो गया अब ये जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर चलाते हो ना तो आप इस रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हो रिएक्टर में रिएक्शन कंट्रोल होने चाहिए तो आप जब एक एक न्यूट्रॉन को खत्म कर देते हो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन ने तीन बनाए ये तीन फर्दर तीन तीन, तीन 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 बनाएंगे आप न्यूक्लियर रिएक्टर में एक एक दो को खत्म कर देते हो एक ही रहने देते हो

तो सबसे पहले आपका न्यूक्लियर ट्रीटीज आती है 1959 में अंटार्कटिक ट्रीटी थी जिसमें अंटार्कटिक को पीसफुल स्टेट बना दिया कि, कि हाँ मिलिट्री बेस नहीं बनाओगे मैं आप किसी तरीके की एक्सरसाइज ऐसी नहीं करोगे जो कि मिलिट्री बेस हो उसमें न्यूक्लियर टेस्टिंग भी रोक दी गई थी नाइनटीन की अंटार्कटिक ट्रीटी फिर आपका हॉटलाइन एग्रीमेंट आया था 1961 में आपका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस होती है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के बाद यूएस को डर लगता है कि इस तरीके की जो मतलब जो एक्टिविटीज़ है हमारे सर पे क्यों आपकी वो मिसाइल आ चुकी है ये न्यूक्लियर कैपेबल भी हो सकती है यूएसएसआर वो अफ्रेड कि नॉर्मल सिविलियन प्रैक्टिस में भी उसको न्यूक्लियर कंसिडर किया जा सकता है न्यूक्लियर वॉर हो सकती है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए कम्युनिकेशन हो दैट्स व आपकी हॉटलाइन एग्रीमेंट आते है नाइनटीन में जिसमें एक स्विफ्ट कम्युनिकेशन मैकेजम स्टैब्लिश किया जाता है यूएस US और यूएसएसआर के बीच में दैट इज नाइनटीन की टी फिर आती है लिमिटेड टेस्ट पैंड ट्रीटी जो कि नाइनटीन के आसपास ही है ये न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोक देती है कहाँ पे स्पेस में आपका वाटर में और आपका सॉइल में तीन जगह आप टेस्ट नहीं कर सकते बट अंडरग्राउंड अलाउड था एंड दिस इज कंसर एज अ वीकनेस ऑफ दिस ट्रेटी कि अंडरग्राउंड नहीं रोकती थी इसको हंड्रेड कंट्रीज ने साइन किया था ये आपका हो जाता है एल फिर आए आपकी, आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी 1963 में जिसमें बोला कि आप जो स्पेस है उसको पीसफुल यूज़ के लिए यूज करोगे वहां पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं डालोगे जिसमें न्यूक्लियर वेपन भी आपके आ जाते हैं यहां से आपकी शुरू होती है एनपीटी दैट इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलीफिनेशन ट्रीटी इसका पर्पज था न्यूक्लियर आर्म्स आर्म्स रेस को रोकना कमिटी ऑन डिसमेंट के अंदर ये आपकी साइन हुई थी इसको 1968 में आपने साइन वगैरह किया गया था 1973 तक इन फोर्स आ चुकी थी बिकॉज कंट्रीज ने साइन किया था 187 कंट्रीज इसको साइन करती हैं और इसको जो आपका इंप्लीमेंटिंग मैकेनिज्म है वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी करती है यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स ये चीज क्या रोकती है दिस प्रिवेंट एक्वायरिंग ऑफ न्यूक्लियर आप यहां से वहां न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर नहीं कर सकते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कर सकते वेपन नहीं साथ में की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी जिनके पास ऑलरेडी था उनको इंप्रूव करने से नहीं रोकती थी सिर्फ जिनके पास नहीं था उनको डेवलप करने के लिए रोकती थी सो दिस वॉज कंसिडर एज अ वीकनेस ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टी जिससे बन जाता है इसलिए इंडिया इसको साइन नहीं करती ओवरऑल वन एटी सेवन कंट्रीज इसको साइन करती हैं और ये है आपकी जो चार कंट्री जिन्होंने बिल्कुल ही साइन नहीं किया वो है ईरान सॉरी वो आ, आता है आपका इंडिया पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया एंड इसराइल चार कंट्रीज इसको साइन नहीं करती बाकी सारी कंट्रीज को साइन कर देती है पांच कंट्रीज ऐसी हैं जिनके हैं उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाता है आपके पी फाइव आपका रशिया यूएस चाइना आपका ब्रिटेन एंड देन आपका फ्रांस ओके okay? फिर चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पेंड ट्रीटी ये 1996 में आई इसको यू एन जी ए में साइन किया गया इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई सी टी बी टी ओ इसका काम था इसको इम्प्लीमेंट करना वेरिफिकेशन मैकेजम के लिए इसने थ्री सिस्मिक स्टेशन बनाए सो दिस इज वॉट दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश इसका हेडक्वार्टर वियना में है ये चीज आप ध्यान रखें ये हर तरीके के न्यूक्लियर वेपन को एक्सप्लोजन को रोकती है एनी वेयर बाई एनी वन कोई भी इसमें न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन आपने नहीं कर सकता दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा है बस इसकी कमी ये है कि ये आपने देखा था ना वेपन ग्रेड के लिए सुपर क्रिटिकल मास चाहिए होता है ये सब क्रिटिकल मास वाली टेस्टिंग अलाउ करती है और टेक्नो और जो मोस्ट अदर कंट्रीज हैं वो उसी को यूज कर लेती है बिकॉज सीटीबीटी को लगता है सब क्रिटिकल में तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हो बट उस प्रोसेस में आप न्यूक्लियर वेपन भी तो डेवलप कर सकते हो दैट्स वाय सब क्रिटिकल वाला जो एक्सेप्शन काउस है वो प्रॉब्लम हो जाता है ओवरऑल दिस ट्रीटी विल कम फोर्स जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो उसको साइन करेंगे इसमें से 36 इसको रेटिफाई कर चुकी है आठ ने नहीं किया है वो आठ है आपकी चाइना नॉर्थ कोरिया इजिप्ट इंडिया ईरान इजराइल पाकिस्तान एंड यूएस इसमें से तीन ने साइन ही नहीं किया पाकिस्तान इंडिया नॉर्थ कोरिया जो उसको साइन नहीं करती इसराइल ने एटलीस्ट साइन किया है रेटिफाई नहीं किया है ठीक है सो दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग सीटी बी टी इसके बाद आते हैं ट्रीटियन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ये सबसे रीसेंट है और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव मानी जाती है इसको 2017 में साइन किया था इसके लिए इसकी जो साइनिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उसको नोबल प्राइज भी मिल रखा है राइट ये चीज़ आप ध्यान रखें ये हर तरीके की एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करती है फ्रॉम डेवलपमेंट टेस्टिंग प्रोड्यूसिंग एक्वायरिंग स्टॉक पाइलिंग और किसी को थ्रेट करना भी ये प्रोहिबिट करती है

दिस वॉज अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड वेरियस न्यूक्लियर ऑर्गनाइजेशन आप जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए विच आइसो टॉप ऑफ यूरेनियम इज फेसाइल फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन थर्टी नाइन थर्टी एट थर्टी सेवन एंड थर्टी फाइव ऑफकोर्सर इज यूरेनियम टू थर्टी फाइव अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड कनेक्ट करें बिकॉज वी आर प्रेजेंट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट टू हेल्प यू थैंक यू सो मच Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes.